अस्सलाम वालेकुम। आज के हम इस वीडियो में वोकैबुलरी जो पढ़ेंगे वो एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट है। ये आईबीए के जो है ना एक पास पेपर में स्क्रीनिंग पेपर में आई थी, जब डिप्टी कमिश्नर साहब ने कहा था कि जो है ना आपकी एक स्क्रीनिंग लेंगे, उसके बाद आपको सीएसएस की प्रोफेशन के लिए जो है ना हम एडमिट करेंगे आईबीए में, वहाँ पर प्रोफेशन क्लासेस होंगे। तो उसमें एक पेपर लिया गया था और उसमें ये सवाल आए थे, इसी में ये अल्फाज आए थे एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। आज इनके हम मीनिंग पढ़ेंगे, सैनोनिम्स पढ़ेंगे, एंटोनिम्स पढ़ेंगे, इनकी यूसेज पढ़ेंगे, उर्दू में मीनिंग पढ़ेंगे। कोशिश करेंगे कि डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया जाए और सॉल्यूशन बताया जाए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक्सप्लिसिट वर्ड से। ये एक्सप्लिसिट वर्ड जो है ना, इसकी मीनिंग होती है वाजे तौर पर सीधी तरह से किसी चीज़ को स्टेट करना, किसी चीज़ को सीधा सीधा बता देना, और जिसमें कोई शक व शुबा ना हो, गैर मुबहम हो। तो इसके जो साइनोनिम्स हैं वो एक्सप्रेस है, क्लियर कट है यानी कि साफ अल्फाज में सीधा सीधा बताना, अनएम्बिगस जिसमें कोई शक ना हो। ये एक्सप्लिसिट वाजे तौर पे हम तब बताते हैं, मोस्टली इसका जो यूज़ होता है वो सेक्सुअल अराउजल में या सेक्सुअल स्टेटमेंट्स में या फिर वायलेंस के बारे में कोई स्टेटमेंट्स होती हैं तो मोस्टली वहाँ पे यूज़ करते हैं। और वैसे नॉर्मल भी हम यूज़ कर सकते हैं, कोई भी चीज़ जो हमें क्लियरली बतानी हो तो उसमें भी यूज़ करते हैं एक्सप्लिसिट। उसके जो एंटोनिम्स हैं वो एंटोनिम्स में इम्प्लिसिट, ये क्लियरली इसका जो है ना एंटोनिम है, और एम्बिगस, मुबहम, वेग, ये इनके इसके जो है ना एंटोनिम्स हैं। और इम्प्लिसिट की जो मीनिंग होती है वो कैपेबल ऑफ बीइंग ये जो इम्प्लिसिट है ये एक्सप्लिसिट का एंटोनिम है। और इम्प्लिसिट की जो मीनिंग होती है वो कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड फ्रॉम समथिंग एल्स दो अनएक्सप्रेस्ड, यानी कि जो एक्सप्लिसिट में हम पढ़ रहे थे कि कोई भी चीज़ वाजे तौर हो, और इम्प्लिसिट में कोई भी चीज़ हमें वाजे तौर ना बताई गई हो लेकिन हो क्लियर, हमें समझ आ जाए, इशारतन बताया जाए, ना कि बोल के बताया जाए या लिख के दिया जाए, लेकिन फिर भी हम जो है ना अपने सेंस के थ्रू इशारतन समझ लें, तो उसमें ये हम वर्ड इम्प्लिसिट यूज़ करते हैं। इसके जो साइनोनिम्स हैं वो इम्प्लाइड है, अनएक्सप्रेस्ड है, टैसिट है और अनडिक्लेयर्ड है। अंडरस्टूड ऑल दो नॉट पुट इन टू वर्ड्स, यानी कि समझ तो लें लेकिन बताया ना जाए, लिख के ना दिया जाए, आवाज़ दे के ना समझाया जाए, इशारतन समझ जाएं या फिर वैसे ही हम सेंस कर लें अगले की बात करते हुए उसके अंदाज से, उसके एटिकेट से या फिर उसके जो है ना इशारों से समझ लें। तो इसकी जो नियर एंटोनम्स हैं वो एक्सप्लिसिट है और एक्सप्रेस है, स्पोकन, स्टेटेड, वॉइस्ड, ये इसके एंटोनम्स हैं। इसकी ये यूजेज मैंने लिखी है, कोशिश की है आप इसको अगर थोड़ा सा समझ के पढ़ेंगे तो होपफुली आपको कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो जाएगा। ये दूसरा दूसरा सेंटेंस है, ये तीसरा सेंटेंस है। इसमें दोनों वर्ड्स मैंने जो है ना दिए हैं, एक जो है ना एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो और दूसरा एडवर्ब का काम कर रहा है। देयर वाज इम्प्लिसिट क्रिटिसिज्म इन हिज वॉइस, यानी कि उसके बोलने का जो अंदाज था, जो उसकी आवाज़ थी तो वो हार्श थी, और उसके जो अंदाज था, बिहेव था, उसके अल्फाजों से नहीं लेकिन उसके अंदाज से हमें पता चला कि वो क्रिटिसाइज कर रहा है। क्लियर था लेकिन डायरेक्ट, कुछ बुरा भला नहीं था। एंगर वाज इम्प्लिसिट इन द आर्ग्यूमेंट, यानी कि किसी आर्ग्यूमेंट में कोई गुस्सा तो था लेकिन अल्फाज उसके फिर भी पोलाइट थे, लेकिन उसके जो बोलने का अंदाज था उससे पता चल रहा था कि वो वाजे तौर पर पता चल रहा था कि वो जो है ना एंगर है उसके सर पे, या फिर वो एंग्री होके बात कर रहे हैं।